जन्म 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 साथ चलना यूं ही कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही एक जान है भले तो बदन हो जुदा मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम और तुम्हें शाम हो हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी हो गई हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा बाहों में है मेरे दोनों जहां तू रहे जिधर मेरी जन्नत वहीं चल रही अगर जो ये दो तरफा ना बुझे कभी मेरी मन्नत वहीं तू मेरी आरज़ू मैं तेरी आशिकी तू मेरी शायरी मैं तेरी मौसिकी तलब 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 बस तेरी है मुझे नशों में तू नशा बन के गुनगुनाऊं तेरी मोहब्बत का करना तू हक़ अदा मेरी हो गए हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तू और तू शाम हो बस ये सदा मेरी हो गई हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा 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 क्या गाने हैं और क्या गाया है आपने कभी भी जब आप कोई रियलिटी शो में जाते हैं या इस तरह का कोई गाना परफॉर्म करता है आपकी फिल्म का तो आपको ये पता होता है कि मतलब आप मिस करते हो अपने ओरिजिनल सिंगर को ये पहली बार हुआ दोनों गानों में ऐसा लगा कि अगर आप भी गाते तो कोई कमी नहीं रहती क्या बात है क्या बात सो एक्चुअली आपको यहाँ से निकाल देना चाहिए Industry is waiting for you, actually. You are a complete singer for me. And you have a great future. You have a very bright future. Thank you so much. Rishi, मैं ये कहना चाहती हूँ कि you are my favorite. Thank you so much, man. Thank you so much. Even he's my favorite also. So what are the odds? And Pooja, Rishi ke pehla audition dekha? Haan, I think you sang pehla pehla pya. Yes, yes. Rishi, ek request hai. Yeah. Pehla pehla pyar hamare liye. Tu kya gaega? Main gaunga pehla pehla pyar. Original version. Sunenge aap? सुनाइए सुनाइए रिवर्ब दे दो भाई इसको एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाज में पहला पहला प्यार है पहली पहली बार है जाने के भी अनजाना
पैसा मेरा हो 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 हंस रही क्यों है यार ठीक है यार मैं कच्चा वाला आ रहा हूँ सिंगिंग में तू पक्का वाला है तू ही कर ले गा जैकलीन का रिक्वेस्ट पूरी कर कम ऑन ऋषि सिंह सेट की तरफ से विदिप्ता आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिला है विदिप्ता कमाल यार रियली इनक्रेडिबल आपकी जो ग्रोथ है योर मतलब एक जो बच्ची आई थी यहाँ पे यू नो शुरुआत में ऑडिशन में अब जो गा रही है वो एक प्रोफेशनल सिंगर है एंड आई थिंक ये आप इस बात को अपने करियर में बहुत दूर ले जाएंगे आई रियली फील दैट इस स्टेज ने आपको जिस तरह एज एन आर्टिस्ट डेवलप होते हुए देखा है आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी समथिंग जो कि हम सब याद रखेंगे ग्रेट जॉब थैंक यू सो मच वेल डन तुम्हारी टोनल क्वालिटी अपने आप में ही एक परफेक्ट प्रोफेशनल सुपर्ब टॉप ऑफ द लाइन जो सिंगर होता है वो क्वालिटी की वॉइस क्वालिटी है तुम्हारी टॉप फाइव में तो मुझे तुम 100% नजर आ रही हो थैंक यू सो मच सर लता जी का हर गाना मेरे दिल के बहुत करीब है आई वॉज वेरी क्लोज टू हर जब मैं बॉम्बे लैंड किया 2.5 साल बाद इंडिया वापस तो सबसे पहले उनके घर दर्शन करने गया और मेरे में हिम्मत ही थी अंदर जाने के लिए आज की आपकी आवाज़ में मुझे लगा कि लता जी यहीं हैं हम सबके करीब है अमर है वो थैंक यू सो मच जीनी जी फिल्म पुकार में रणधीर कपूर जी देश के लिए वेश बदलकर पार्टी में आते हैं किसी को उन पर शक नहीं होता है पर आप बार बार
बच के रहना रे बाबा बच के रहना रे गाकर लोगों का उन पर शक जगा देती है। ऐसा क्यों किया आपने जीनी जी? क्या उन्होंने आपके घर पे आके घंटी बजाकर वो भाग गए थे? नहीं नहीं, वो तो अभिषेक बच्चन जी ने किया था। जी बिल्कुल, लेकिन ये डायरेक्टर साहब ने कहा था करने के लिए, दैट वाज द ओनली रीजन। नहीं, अब तो हमको ये अभिषेक की कहानी जाननी है। नहीं नहीं, ये लोग छोटे बच्चे थे और हम लोग पुकार की शूटिंग कर रहे थे और उन दिनों में वी स्टेइंग एट द फोर्ट अग्वाडा, तो ये बच्चे सब मिलकर गोल्डी अभिषेक वगैरह तो आकर है ना घंटी बजा के भाग जाते थे मेरे स्वीट के दरवाजे का, और मैं निकलती थी ढूंढती थी इनको कि है कहाँ हो क्या रहा है। एंड नो, इसका बदला लिया आपने रणधीर कपूर जी से पिक्चर। चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को 14 फरवरी को, जिनके लिए दर्शन देगा उनका सीक्रेट दीवाना खाकर अयोध्या की इमरती विदित्ता चक्रबोर्ती।
लव्स नहीं मिल रहे हैं. फर्स्टली तो ये दो ग्रेट मास्टर्स आर डी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी. ओ माय गॉड. और आपने विदिता क्या खूबसूरती से गाए हैं. बोथ द सॉन्ग्स वर सो मेलोडियस, सो ब्यूटीफुल. और आपकी आवाज़ इतनी मीठी है, इतनी सुरमय है. और आपने थोड़ी इंडिविजुअलिटी भी डाली वैसे, थोड़े आपने अलग से लचक दिए है ना, डोंट यू थिंक? शी डिड अ ब्यूटीफुल जॉब. विदिता, आप सचमुच बहुत ही सुंदर हो. और जितनी आप सुंदर हो उससे ज्यादा सुंदर आप गाती हो. विदिता, तुम में कंप्लीट परफॉर्मर है, एक सुपरस्टार परफॉर्मर है विद अ ग्रेट सिंगिंग टैलेंट. तो और क्या चाहिए, कंप्लीट एक फ्लॉलेस परफॉर्मेंस. कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट वॉज एपिक, इट वॉज इनक्रेडिबल, इट वॉज सुपर्ब, इट वॉज फैंटास्टिक. रियली वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस. आप लोग इनकी आवाज की तारीफ कर रहे हैं बट इनकी खूबसूरती की भी सुना बहुत चर्चे हैं. Yes, पूनम जी. है ना? बिल्कुल yes, पूनम जी उसी तरह चर्चे हैं जैसे आपकी खूबसूरती के चर्चे हैं. और जो अलग अलग डायरेक्टर्स आ रहे हैं इस शो पे, सब आप पे नजर रख रहे हैं वैसे. मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब आपको फिल्मों में आना हो तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रगल्स भी होती हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं. तो अपॉर्चुनिटी जब आती है, अगर आपको शौक है तो आप ग्रैब कर लेना. क्योंकि मैंने एक्चुअली अपनी पहली दो अपॉर्चुनिटीज को ना बोल दिया था. तो मेरी जो पहली फिल्म आई थी त्रिशूल, मैं तब स्कूल में पढ़ती थी और उससे पहले मुझे दो फिल्में ऑफर हो चुकी थी. यश चोपड़ा जी ने मेरी एक तस्वीर देखी थी और उन्होंने मुझे चंडीगढ़ तक जाके खोज निकाला था कि कहाँ पढ़ती है, क्या कौन हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं. तो वहाँ चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के एक आर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे बलवंत गार्गी जी, वो मेरे पेरेंट्स को जानते थे. एक दिन वो घर पर आ गए और उन्होंने कहा यश चोपड़ा जी आपको एक फिल्म में लेना चाहते हैं. तो ऑटोमेटिकली फैमिली बोले नो नो नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमारी फिल्मों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है. तो बट आई थिंक डेस्टिनी में लिखा था. यश जी ने बोला मैं दिल्ली में ही शूटिंग कर रहा हूँ, बॉम्बे आने की भी ज़रूरत नहीं है और वहीं पे आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा छुट्टियों में, आपकी विंटर वेकेशन में. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. मैंने अपनी पहली फिल्म दिल्ली में शूट की एंड आई वेंट बैक टू चंडीगढ़ एंड आई जॉइंट माई प्लस टू, तब मैं टेंथ में थी, एंड कॉलेज ज्वाइन किया. बट डेस्टिनी, उसके बाद मुझे नूरी के लिए बुलाया गया. मैंने कभी वापस आई नहीं बॉम्बे ये सोच के कि मैं करियर परसू करूंगी. सो दैट वॉज माई जर्नी एंड आई होप यू गेट दैट ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव अ फैंटास्टिक जर्नी. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू विदिता, आपने मौसम बदल दिया. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.